कोऑर्डिनेट में जो है निर्देशांक ज्यामिति में एक सरल रेखा जो है टॉपिक है, उसमें जो आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, सरल रेखा में सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एच है, ये एक्स एच है और ये क्या है वाई एच है, और एक लाइन हमारे पास में ये है, ये एक सरल रेखा है जिसका जो समीकरण है वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। सरल रेखा पे गौर करने वाली बात ये ए और बी इसके जो गुणांक है उनका मल्टीप्लाई ये है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास रेखा एक्स एच है, दूसरी रेखा हमारे पास वाई एच है और एक रेखा हमारे पास दे रखी है, तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा ओ ए और बी। इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यदि हमारे पास में एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष के द्वारा एक त्रिभुज बना रही है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस रेखा में इन दोनों गुणांकों का योग, सॉरी इन दोनों गुणांकों का गुणा इसके बराबर है, तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी बटे दो। मॉड लेने का सिर्फ ये यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि किसी भी तरीके से निगेटिव आ रहा है तो एरिया या क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक लाइन हमारे पास में दे रखी है, एक्स एच दे रखा है और वाई एच दे रखा है और एक तीसरी लाइन दे रखी है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू छ। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है क्षेत्रफल, फाइंड करना है क्षेत्रफल, फाइंड करना है तो देख सकते हैं एक एक रेखा हो गई एक्स एच हो गई, दूसरी रेखा हो गई वाई एच हो गई और एक ऐसी रेखा हमें दे रखी जिसमें इन दोनों का गुणा छ के बराबर। आप देख सकते हैं दो और तीन का गुणा किसके बराबर है, छ के बराबर। तो हम लोग ये क्षेत्रफल क्षेत्रफल डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये छ और बटे दो कितना आएगा तीन, सो ये क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के जो है दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि इन दोनों का गुणा यहां पर नहीं लिखा होगा, कोई अलग संख्या होगी, तो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन ऐसा बताते हैं शॉर्टकट जो है जिसमें इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसे। अभी भी हम लोगों ने सीखा ए एक्स प्लस बी वाई और इज इक्वल टू ए बी, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई यदि ए बी के बराबर है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाता था। अब हमारे पास में एक एक्स एच है, दूसरी रेखा वाई एच है और एक ऐसी रेखा है जिसका जो समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ध्यान दीजिएगा, अभी भी सीखा है हम लोगों ने ए और बी का मल्टीप्लाई यदि यहां पर है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल के लिए इसका आधा कर देते थे, सीधे सीधे क्षेत्रफल आ जाता था, लेकिन अब यहां पर जो है ए और बी का मल्टीप्लाई इसके बराबर नहीं है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी सीधे सीधे आप जो है यूज कर सकते हैं फार्मूला क्षेत्रफल के लिए सी स्क्वायर अपान टू ए बी मॉड के अंदर। क्षेत्रफल के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सी स्क्वायर अपान टू ए बी, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, एक्स अच्छ है और वाई एच है और एक रेखा दे रखी है क्वेश्चन में थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू पच्चीस, या पांच कर सकते हैं, पांच कर लीजिए, कोई भी अपने आप ले सकते हो रेखा। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है थ्री है, बी की वैल्यू कितनी है फोर है और सी की वैल्यू कितनी है फाइव है। क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं
सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। सी स्क्वायर मतलब पांच का स्क्वायर कितना 25, और अपान में टू ए बी टू ए, ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी 4। सो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 25 बटे 4 दिए 12 दूना 24। ये जो है इसका क्षेत्रफल आ गया एक्स एच और वाई एच और एक रेखा दी जा रही। अब इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास में दो रेखाएं दी जाए और एक्स एच दिया जाए या वाई एच दिया जाए, उनके क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इन्हें सीखिए फिर जो है हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, नोट करिए।